पंचायत के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई और मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वहीं सरकार हर भारतीय नागरिक को मतदान करने के लिए जागरूक करने का काम करती है कि हर एक भारतीय को अपने मतदान का इस्तेमाल करना जरूरी है। वहीं अपने मतदान का हक खो चुके एक गांव के 85 लोग अपने मतदान करने के लिए अब अधिकारियों की चौखट पर दस्तक दे रहे हैं। इन 85 लोगों में 2 लोग ऐसे हैं जो BDC के प्रत्याशी थे और एक प्रधान पद के दावेदार थी महिला। बहरहाल अभी इन लोगों को सिर्फ अधिकारियों से आश्वासन ही मिल रहा है, लेकिन मतदान का दिन करीब है। अब देखना ये होगा कि ये मतदान वाले दिन अपना मत का इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये एक बड़ा सवाल होगा। मेरा वोट कटवा दिया है, मैं ही कैंडिडेट हूँ, मैं ही इलेक्शन लड़ रही हूँ। इस बार भी इसके अलावा भी 86 वोट और काट दिए, इससे पहले 5 साल पहले भी काट दिए गए थे। तो ऐसा क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम भी तो इंसान है, मतलब लड़ना चाह रहे हैं अपना हक, और हम जाएंगे नहीं यहाँ से तब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। अब किस पद के लिए आप नामांकन करना चाहती थी? प्रधान के लिए? प्रधान के लिए। तो आप जैसे कितने वोट कटे हैं? 86 वोट कट चुके हैं, पहले भी कट रहे थे 85 वोट जी। लेकिन हम गांव में कितने वोट है? 1560। हमारे आपके परिवार में कितने वोट हैं? 8-10। सभी कट गए? सभी कट गए, एक ही छोड़ा। तब आप क्या करेंगे ऐसे में? क्या करेंगे आप बताओ, क्या करें? नहीं आप बताइए, हमें तो वोट बनाने चाहिए। तो क्या कह रहा अधिकारी बनाने को बोल रहे हैं? हम तो साहब कल भी आए, कल भी स्वागत है यहाँ से, फिर स्वागत रामपुर को आए, घर को गए, आप फिर रामपुर को आए। ये ग्राम पंचायत चुनाव के संबंध में जो हम ग्राम बिजड़ा में लगभग 85 वोट तहसील के अमले ने काट दिए हैं, जो असली वोटर हैं जिनके आधार कार्ड, उम्र, सारी चीज़ें हम दरख्वास्त के साथ लगा के दे रहे हैं, और जो कम से कम 20 साल से वोट डालते चले आ रहे हैं, और 52-53 वोट फर्जी बनाए गए हैं, जो कि डबल हैं, कहीं चले गए हैं या कहीं बाहर गए, सब इस तरह के बनाए गए हैं। प्रधान पद का प्रत्याशी है, क्या नाम है, गुलबशा, उनको सिमी, और एक BDC की प्रत्याशी है गुलबशा, और एक ग्राम पंचायत सदस्य प्रत्याशी का प्रस्तावक है शाहिद राविया, शाहिद का। तो टोटल कितने वोट कटे हैं? 85 वोट कटने के लिए, फर्जी वोट कटने के लिए है, तो वो फर्जी वोट तो नहीं कटे, उन फर्जी वोटों की जगह पर असली वोटों की लिस्ट लग गई और असली वोट काट दिए गए। अब आप कलेक्ट्रेट आए हैं तो क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? अभी तो साहब DM साहब से मुलाकात नहीं हुई है, कल सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कहा था कि आप SDM साहब से जाकर मिलो, SDM साहब ने सुबह से शाम तक चाल मटोल करती रही, और उससे लगा कि SDM साहब वाकई उसमें बहुत बड़े इंटरेस्ट है SDM साहब का, जिस वजह से SDM साहब ने रात तक करीब 8 बजे तक हमें वहाँ पर टहलाए रहे।